हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतिक और आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं बुलेरो नियो का। बुलेरो नियो का N10 मॉडल है ये, और आपको कंपनी क्या क्या ऑफ़र करती है N10 मॉडल में, आइए देखते हैं। तो अगर लुक्स की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आती है, और फ्रंट में आपको हनीकॉम पैटर्न ग्रिल देखने को मिलती है विथ क्रोम लाइनिंग के साथ, तो ग्रिल देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर हम लाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हेलोजन बेस्ड लाइट मिलती है विथ DRL, और लाइट्स के अंदर आपको ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है जो कि लाइट्स के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। और यहाँ पर आपको कॉर्निंग लाइट मिल जाती है जो कि टर्न के समय आपको काफ़ी यूज़फुल लगेंगी, और इसी के नीचे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, आपको नीचे फॉग लैम्प मिल जाता है, स्किड प्लेट मिल जाती है, और स्किड प्लेट के ऊपर ही आपको हनीकॉम पैटर्न ग्रिल देखने को मिलती है। और अगर साइड लुक की बात करें हम तो काफ़ी अच्छी लगती है, साइड लुक से बोल्ड लगती है, और सब 4 मीटर SUV है ये, और हाइट और लेंथ आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। और अगर हम टायर साइज़ की बात करते हैं तो 215/75R15 यानी 50 इंचेस के टायर मिल जाते हैं विथ अलॉय। फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और बैक में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, और आपको डुअल टोन ORVM मिल जाते हैं। और अगर हम की बात करते हैं तो फ्लिप की मिल जाती है आपको, सेंटर लॉकिंग इस पर मिलती है। ये रियल व्हील ड्राइव के साथ आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, रियल व्हील ड्राइव के साथ आ रही है। और हम डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक डोर हैंडल मिल जाते हैं, और आपको ब्लैक साइड बिडिंग मिल जाती है जो कि बुलेरो से काफ़ी इंस्पायर्ड लगती है। और अगर हम डोर की बात करते हैं यहाँ पर तो आपको बॉटल होल्डर दिया गया है, आप 1 लीटर की बॉटल ईजिली कैरी कर सकते हैं इस पे, और आपको थोड़ा स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ ग्लॉस फिनिश मिल जाती है, और आपको डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है ब्लैक और बेज कलर का जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स के और फ़ोन के आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इस पर क्रूज़ कंट्रोल मिल जा रहा है। और यहाँ ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं, हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, इको मोड मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, और आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर दिया गया है। और AC वेंट्स की बात करें तो आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है AC वेंट्स के अराउंड, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर दिखता है, आपको फैब्रिक सीट दी गई है, और अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो अगर इसे आप ऑन करेंगे तो इस पर एनिमेशन आता है बुलेरो नियो, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपका कोई भी डोर ओपन है तो यहाँ पर शो होता है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगता है एक, और आपको इस पर कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर हम कंट्रोल्स की बात करें कि कंट्रोल कहाँ से होंगे, तो यहाँ पर आपको 2 नॉब मिल जाते हैं, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन देखना है देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 7 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है, ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे सपोर्ट नहीं करता है। और इसके अराउंड आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, हैजार्ड लाइट का आपको यहाँ स्विच मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस पे दी गई है। और शॉर्टकट्स की बात करें तो रेडियो, फ़ोन, इन्फो, तो ऐसे कुछ शॉर्टकट्स आते हैं, और इस पर कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको मैनुअल AC मिलता है जिनकी फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, USB का ऑप्शन दिया गया है, और ऑक्स का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो गियर नॉब के साइड में आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है, और सेंटर पे ही 1 बॉटल होल्डर और 2 कप होल्डर का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। और पावर विंडो के स्विच सेंटर पे ही दिए गए हैं। और अगर ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो डिसेंट ग्लव बॉक्स है, आप पेपर रख सकते हैं। और अगर हम ड्राइवर सीट्स की बात करते हैं तो ये आपको हाइट एडजस्टेबल मिलती है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर पीछे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ स्पेस मिलता है पीछे, और यहाँ पर कोई भी बीच में हम्प नहीं दिया गया है, जिससे कि आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल होके। और यहाँ पर आपको बीच पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इस पे आर्मरेस्ट मिल जा रहा है।
और यहाँ रूफ़ में आपको लाइट मिल जाती है, और सेंटर पे कोई भी लाइट नहीं दी गई है। और अगर पीछे की बात करें तो बुलेरो नियो की बैजिंग मिल जाती है, वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, और आपको यहाँ पर महिंद्रा का स्लोगन मिल जाता है। और अगर हम बैक लाइट की बात करते हैं तो ये भी हेलोजन ही रखे गए हैं, कोई भी इस पर LED नहीं मिलती है। और यहाँ पर N10 की बैजिंग मिल जाती है, चार पार्किंग रिवर्स सेंसर मिल जाते हैं। और पीछे की स्पेस की बात करें तो आपको दो सीट्स मिल जाती है, और अगर इन सीट्स को फोल्ड कर दिया जाए तो 384 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। इंजन स्पेक्स की बात करें तो 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है आपको इस पे, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। मैक्सिमम पावर 100 BHP और टॉर्क जो है 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको इस पे। अगर सेफ्टी फीचर की बात करें तो ABS, डुअल एयरबैग, EBD, कॉर्निंग, ब्रेकिंग कंट्रोल जैसे आपको सेफ्टी फीचर इस पे दिए गए हैं। और आपको इसमें मल्टी टैलेंट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे कि आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। और पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे sub-4 meter में काफ़ी अच्छी SUV लगी ये बुलेरो नियो। आपको कैसी लगी और हमारा वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।